बिग न्यूज 9 में आपका स्वागत है। 1912 के 22 मार्च को बिहार की स्थापना बंगाल से अलग करके की गई थी। इसके 109 वर्ष पूरे होने पर सोमवार यानी कि आज बिहार दिवस समारोह का वर्चुअल आयोजन ज्ञान भवन में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसे विभिन्न माध्यमों से राज्य के लोगों तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से ज्ञान भवन और सभी जिला समाहरणालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वेबकास्टिंग से कनेक्ट किया गया है। बिहार दिवस को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। इसके पहले बिहार दिवस के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अनेक नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने भी जनता को बिहार दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दिवस के अवसर पर लाइव हुए और कहा कि शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने जल जीवन हरियाली को इस साल के आयोजन का थीम बनाया है। इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। पहले स्वास्थ्य की चिंता रहती थी, अब अस्पतालों में सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लोक सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया है, बिहार की आबादी तेजी से बढ़ रही है, प्रजनन दर को कम करना जरूरी है, इसके लिए लड़कियों की शिक्षा भी जरूरी है, इसके लिए काम किए गए हैं। अब मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। बिहार दिवस के लिए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल यह आयोजन नहीं किया जा सका था, इस साल भी वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। बता दें कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग करता है। ज्ञान की भूमि पर शिक्षा विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के 109 साल पूरे करने पर समारोह का आरंभ हुआ है। 90 मिनट का कार्यक्रम 11 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया है। कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान भवन स्थित प्रेक्षा गृह में 800 लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते इस समारोह में 200 लोगों की भागीदारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल रूप में जुड़े हैं। मशहूर कवि सत्यनारायण द्वारा लिखित राज्य गीत से समारोह की शुरुआत हुई है। समारोह की थीम जल जीवन हरियाली है। पटना के ज्ञान भवन में इस बिहार दिवस के अवसर पर पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर पटना आर्ट कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा ज्ञान भवन में पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों और जीविका दीदियों को चिट्ठी लिखी है। बिहार के स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेते हुए बिहार के वर्तमान को सुनहरा बनाने को प्रेरित करती उनकी चिट्ठियाँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जिलों के माध्यम से बच्चों और जीविका दीदियों के बीच पहुँचाई गई है। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है और संदेश दिया है कि बिहार दिवस पर सभी को, खासकर बिहार के लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में जो अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है, यह भूमि प्राचीनतम गणतंत्र से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक की साक्षी रही है। उन्हें यह भी लिखा कि इस भूमि पर उन्हें राज्यपाल की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये अपने गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाले इस प्रदेश विकास के लिए नित नए आयाम गढ़ने के लिए शुभकामना की है। राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष ने भी बधाई दी है। राज्यपाल फागू चौहान व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार दिवस पर जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने बिहार को शांति, सद्भावना, साधना, अहिंसा, ज्ञान, कर्म, बंधुत्व और प्रेम की पावन भूमि बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें मिलजुल कर बिहार के गौरव को बढ़ाना है, प्रगति पथ पर बढ़ता रहे बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश व देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि बिहार निरंतर
प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। बिहारवासी आपसी एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता एवं धार्मिक सद्भाव बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर बिहार को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, बिहार के गौरव को बढ़ाएंगे। हमें मिलकर बढ़ाना है राज्य का गौरव तेजस्वी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का गौरव पूर्ण इतिहास रहा है। यह धरती ऋषि मुनियों, संत सूफियों की रही है। स्वतंत्रता संग्राम और यह ज्ञान विज्ञान अथवा शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में बिहार अव्वल रहा है। इसने देश दुनिया को प्रभावित किया है। हमें मिलकर इसके गौरव तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं बताइए। फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब जा जाओ तो देख लीजिए नेपाल से, और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर हैं भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहां कौन नहीं हुए जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ यहीं पर, उनकी मृत्यु भी हुई, क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही तो, कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर। इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है, लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूँ और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग इन चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जरा याद रखिएगा, राज्य गीत सब जगह चलवाइएगा। कितनी बार हम लोगों ने कह दिया था, अब जो भी हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कोई सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर राज्य गीत चलाइए। वो भी है दूसरा, वो तो हर जगह, और हम समझते हैं शिक्षा विभाग को अच्छी तरह मालूम होगा कि जो इसी में 2012 में ही वो तैयार किया गया, इसको लोग जरूर हर स्कूल में सुनाते होंगे बच्चों को। और उसको सुनाने के बाद जो हमने कहा बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन, उन्होंने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जाने। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि अगर बापू के विचार से लोग सहमत होगा, नई पीढ़ी के लोग अगर 10-15% भी सहमत होंगे तो ये राज्य कितना आगे बढ़ेगा। आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा और हर तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं। और हम सब लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए आज ये खुशी का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।